राम राम जी सभी को। आज हम अपने किचन में बनाएंगे एग करी और दिखाएंगे आपको सारा हम कैसे एग करी बनाते हैं। शाम का टाइम हो रहा है, बच्चे हर्षित मैंने भेज दिया अंडा लेने, वो अंडा लेकर आता होगा थोड़ी देर में। इतने में प्याज व्याज काट रहा हूँ और बच्चे ये हम सारे मतलब मुझे छोड़ के सारे बच्चे हैं, तो बच्चों की फरमाइश है, उनकी फरमाइश पर एग करी बनाते हैं। करते हैं शुरुआत। थोड़ी सी हमने प्याज ले लिए है, दो प्याज ये तीन। ये आ गई हमारी इंडक्शन के ऊपर कढ़ाई, इंडक्शन कर दिया ऑन, 200 का टेम्परेचर, तेल डालेंगे हों दो गरम। इसमें चढ़ा लिया है मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल, आप कोई भी तेल ले सकते हो, रिफाइंड ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, मैंने लिया सरसों के लिए। आ गए हैं तो देखो खेतों की तरफ आए हैं हर्षित भाटी। ये हमारे घर का व्यू है, बिल्कुल नेचुरल प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं। ये हमारे अंडे आ गए हैं। चौमिन को हम किसने मंगा दी, ये टमाटर कट चुके हैं, दो अंडे कम दिया भाई, वाह क्या बोला, पापा को मैं संभाल लूंगी भाई, वाह ऐसी बात हो रही है, देख लो घर में। अब दो अंडे कम हो रहा है, अब देखो लड़ाई आ जाएगी। मैंने दो दो के हिसाब से मंगाई सभी को। अभी थोड़ा सा ऑयल और डाल लेते हैं क्योंकि पहले एग को फ्राई करेंगे, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ऑयल और डाल दिया है इसमें। रुक देख, स्टार्ट कर दी मैंने, इतनी जल्दी क्यों कर दी, कर दी। अब ये डाल देंगे इसमें, इसमें थोड़ा सा मैंने हल्दी डाल दी है और हल्दी के साथ साथ इसमें थोड़ी सी ये कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो डाल दी है। अंडे मैंने स्पेशल हैडी को भेजा था, मैंने बोल दिया था उनसे वाइंड खुलवा कर लेके आना, जिससे कि हमें थोड़ा कम करना पड़े। 10 रुपये के तब भी दे रहे हैं, तब भी 10 रुपये के दे रहे हैं एक अंडा। 10 रुपये का अंडा? 10 रुपये का अंडा हो गया बेटा, इतनी महंगा चल रही है। पहले 7 का ही आता था, हैं 7 का आ गया पहले तो। ऐसे कर देवे जमीन में, एक बता देवे। अब ये धीरे धीरे इसको ऐसे पलट पलट के फ्राई कर लेंगे। चटपट मैंने इनमें कुछ नहीं मारा है क्योंकि हमें हो रही थोड़ी जल्दी, भूख लग रही है तेजी से, सुबह ही कचौरी खाई ही, कोलेस्ट्रॉल थोड़ा कम हो गया, दोबारा बढ़ाना है। तो ये है कुछ इस तरीका से अपने अंडों का सीन। यू कैसे कट गया आपको वो लगा, वो चमचा मैं चमचा चमचा तो ऐसा ही आया होगा, हम देखेंगे। अरे वहाँ पे कटा हुआ पड़ा ना, चमचा ही रख गया होगा। ऐसा ऐसा कलर होने लगा भैया, इनको चेंज होने लगे कलर, जब तक ऐसा हो जाएगा ना जब तक करेंगे, लाल पड़ जाएंगे जब तक। ऐसा ऐसा कलर होगा भाई, ये हमने निकाल लिए बाहर, एक दो तो देखो फिट भी गई। ओहो धुआं धुआं होगा, भाप लग गई कैमरे पे। अब इसमें जो ऑयल है ये बहुत ज्यादा है, इसे हम कर लेंगे अपने इसमें, ये हमारा ये है, इसे हम यूज करते हैं। हमारा मतलब हम बच्चों का मतलब, बच्चे जो मतलब जो अंडे खाले हुए हैं, यानी जो नॉन वेजिटेरियन मान लो एक तरीका से, तो हमारा तेल ऐसा है अलग, कढ़ाई हमारी, बासन हमारे, सब चीज़ हमारी अलग है। तो देखो हमने उतना तेल छोड़ दिया, इसमें इतना निकाल दिया, इतनी कटोरी निकला हुआ, उसमें कांच का ना एकदम से नुक रहा, कभी फूट चटक जावे, बाद में जब ठंडा हो जाएगा हम पलट लेंगे। थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होने देते हैं, थोड़ा सा होने देते हैं इसे, अभी इसका फ्लेम बढ़ा देते हैं, फिर इसमें प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे आगे को। तो इसमें हमने एक दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जीरा और थोड़े से खड़े गरम मसाले डाल लिए, थोड़ी राई डाल दिए राई। अब इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे, फिर इसमें डालेंगे प्याज, दो तीन लाल मिर्च डाल ली हमने इसमें साबुत, ये रही। अब इसमें हींग डालेंगे, कैच की हींग ली है मैंने, हींग डाल दी मैंने, हींग चटकल लगी, ये देखो ये हींग है सारी। अब हींग डालते इसमें डाल देंगे प्याज, जिससे कि हींग जले ना,
और इसी के साथ अच्छे से हो जा रहे हैं। प्याज डाल के थोड़ी देर प्याज में चलाएंगे और बिल्कुल सुनहरा होने तक भूनेंगे ना ऐसे। प्याज भूनने में ही समय लगेगा बस थोड़ा ज़्यादा, वरना तो फटाफट बनकर तैयार हो जाएगी एकदम। सारे बालक मुँह कहना ही बैठे हैं, सबकी निभाएंगे कोई कढ़ाई होगी। इतना हमारा ये तैयार होता है, मान लो इतना हमने एक कटोरी ले ली है। इस कटोरी में डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर एक चम्मच, एक बड़ी चम्मच भर के। ओहो लाल मिर्च तो थोड़ी है, लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच बैठेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर आधी चम्मच के करीब, इसे कर देंगे बंद। देखो प्याज का कलर ऐसा होने लगा, धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है प्याज को। और यहाँ पे मैंने ये थोड़ी कश्मीरी मिर्च ले ली है, इसमें हल्दी ले ली है, धनिया पाउडर ले लिया है, लाल मिर्च पाउडर ले लिया। अब इसमें मैं थोड़ा पानी मिलाऊंगा, पानी मिला के थोड़ी देर इतना भिगो कर रख दूंगा, फूल जाएंगे मसाले। सबका अपना अपना तरीका, मैं मसाले ऐसे ही भिगो के गिर लूँ क्योंकि इससे मसाले जलने का खतरा कम रहे, थोड़ा उनका जो वो है ना टेक्सचर बना रहे मसाले उनका बाद तक। जी ले लिए भैया टमाटर, यहाँ थोड़े से टमाटर है, दो तीन टमाटर है छोटे छोटे। अभी मैं भी एक ग्रीन गैल भून लेंगे और गैलम गैल गिर देंगे इसमें नमक, इससे कि टमाटर जो है छोटे बन जाएंगे। देखो मसाला बिल्कुल पानी छोड़ चुका है, प्याज जो बिल्कुल तेल छोड़ चुकी है। अरे अपना मसाला जो मैंने तैयार करा हो, इसमें थोड़ा सा मीट मसाला और मिला लिया मैंने, कश्मीरी लाल मिर्च। अब इसे सब मिक्स कर देंगे इसमें, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और मीट मसाला पानी में मिला के डाल दिया। देखो एकदम से भी अच्छे से बन जाएगा मसाला सारा इस के साथ। देखो कैसे कलर आ गया, कश्मीरी लाल मिर्च है, इसमें हल्दी है और धनिया पाउडर है, हमारा मीट मसाला है थोड़ा सा एक चम्मच। तो इतने सारे मसाले मैंने तो ज़्यादा मसाले ना गिरे, इतने मसाले इसमें डाल के इसे थोड़ी देर भूनेंगे जब तक मसाला तेल न छोड़ दिया। ठीक है भैया, ऐसे ही से चला कर भूनते रहेंगे, ये तेल छोड़ देगा मसाला इसमें पानी। अब धीरे धीरे देख रहे हो तेल छूटने लगो, भाप में दिख रहे होगा तो मैं इधर से दिखाता हूँ। अब चेंज हो लगा इसका थोड़ा सा, तेल ऊपर आने लगो, जाले से पड़ने लगे, अभी तक भूनते ही रहेंगे ऐसे, जिससे कि मसाला हमारा नीचे लगे ना, फिर लगना भी चालू हो जाए नहीं सेकंड में। देखो आने लगा तेल ऊपर, मसाला भुनने लगा बिल्कुल, ऐसी बेहतरीन बनेगी ना अंडा करी, चुंगली चाटते रह जाओगे सारे के सारे। देखो इसी कंडीशन पर जो है मैंने थोड़ा सा पानी तेम मिला दिया जिससे कि मसाले नीचे ना पकड़े, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही थोड़ा सा मिलाया, थोड़ा थोड़ा करके मैं दो कटोरी पानी मिला दूंगा। मैं धीरे धीरे से भूनते रहूंगा जैसे मावे भुने हैं ऐसे। देखो कोई भी सब्जी बना के देखे तुम्हें, ऐसे मसालेदार जो हो ना करी की कोई भी, चाहे पनीर हो, मशरूम हो, दम आलू हो, कोई भी ग्रेवी इस तरीके से तैयार करके देखिए। अंडे जब भी बाद में गिरेंगे ये तो एक तरीके से स्टाइल होगी। देखो वो फिर तेल ऊपर आ जाएगा, फिर पानी डालूंगा हैरी बता रहा मुझे तो ये घर हैरी बता रहा मुझे नहीं, पापा हैरी हैप्पी बोल रहा है कि हमारा चैनल प्रमोट कर दो। मैं कि भाई वाह, अभी तो हम ही प्रमोट ना हुए एक दिन आएगा ऐसे जो आकर रहेंगे ऑफर लगे रहेंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। एक कटोरी पानी मिला दिया मैंने इसमें पूरा, देखो कोई भी स्टाइल बताने के लिए भी सेफ होना जरूरी ना है, जो यूं कह रही ना तू कि एस कैस करे करो कितने बड़े सेफ हो। रोटी बनने लगी हिंग है, हिंग है तैयार हो गई है, इसे हिंग रख दो ऊपर। ओहो यहाँ पे
ये सारे मसाले वसाले भरे धरे हमारे, ज्यादातर डिब्बा हमारे सारे खाली हो चुके हैं, आर्थिक तंगी चल रही है घर में। मदद करो, चैनल प्रमोट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जब पैसा आवे घर में तो। भैया ऐसा हो गया, थोड़ा सा पानी मिला दिया इसमें, अब इसे ढक देंगे थोड़ी देर, ढक के पकाएंगे इसे 5 मिनट। अब यूं नहीं समझ मारा अंडा ने गेर के ढकूं या नहीं ढक दूं, नहीं ढक दूं भी कदे ऐसा हो इन गाड़ने के चक्कर सारे अंडा गिर जावे नीचे, बता कैसे करूं। अच्छा बाद में गेरूंगा मैं, इतना गेर लूँ। हमने हम अंडा डाल दिए सारे, ग्रेवी पका ली पहले खूब 5-7 मिनट, इसमें डाल दिए सारे अंडा, देखो क्या बढ़िया हुआ है, निकाल के दिखाते हैं। मैं भाप उठ रही है अभी, मैं पता चल रही है थोड़ी थोड़ी दिख रही है, एकदम गिर देखो वैसी बन के रेडी रही है, थोड़ी देर इनमें थोड़ा मसाला सा मिल गया अंडा में, इसलिए थोड़ी देर उसे ढक देते हैं। ढक दिया 4-5 मिनट के लिए, रोटी तैयार होगी हमारी, तो ये हो गया भैया इस तरीका से। वैसे अभी इसमें एक चीज डालनी है, कसूरी मेथी, इसको रगड़ लिया थोड़ा सा हथेली से, अभी इसे डाल दिया थोड़ी धनिया, धनिया पाउडर डाल दिया पहले थोड़ा सा, धनिया पाउडर है नहीं वैसे हमारे पास, छोटा सा डाल देते हैं, वो जितनी चीजें हमारे पास थी उन्हीं चीजों से बना के रेडी कर ली है। हालांकि इसमें क्रीम भी डाल सकते हैं अभी, लेकिन हम डालेंगे नहीं, हम आज एग मसाला ही खाएंगे ऐसे ही। क्रीम डाल लो थोड़ी सी, नहीं क्रीम नहीं देता, क्रीम से फिर थोड़ा वैसा टेस्ट हो जाए लाइट लाइट सा। चलो एकदम ओके रिपोर्ट, ये रहा अपना एग करी, एग मसाला करी, सिनेमैटिक शॉट, ये देखो जी ये हमारा एग मसाला करी, लग रहा है ना लाजवाब, ये देखो देखो जी एक करी हमारी अलग अलग पोर्शन कर लिए है, ये 4 मेरे हैं, इसमें 2 हैरी के, रूबल के और डैडी के, 5 इसमें हैं और 2 इसके, सबके बंटवारे हो गए हैं। ये भैया हमारी आज की थाली, चटनी, एक करी, रोटियां और ये मिर्च, मिर्च अचार, मिर्च का अचार, मिर्च में इतनी सारी खा जाता हूँ।